हर क्षेत्र के अंदर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता, हम लोगों को कुचला जाता है। नहीं जो तो एक मिनट मनोज जी, ये नहीं, आप गलत बोला है। हमारे दर्द बयां करते हैं तो इस पर हंसी उड़ाई जाती है। आप किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकते। सब किसका ठाकुर? आपने गलत बोला, अभी तक हमने आपको ठोका नहीं है। सब कुछ ठाकुर, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआ ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपने क्या, गांव, शहर, देश, क्या है हम लोगों का? इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठाकुर। सभापति महोदय, हर क्षेत्र के अंदर हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता, हम लोगों को कुचला जाता है, उसके बावजूद भी हमारे दर्द बयां करते हैं तो इस पर हंसी उड़ाई जाती। ये विडंबना है। किसी भी क्षेत्र में आप अगर संसाधन की गणना निष्पक्ष तौर पर करें, जो दुनिया की सबसे विश्वसनीय संसाधन की गणना करने वाले फोर्ब्स, उन्होंने जब भारत के अंदर संसाधन की गणना करी तो मिलियनर्स के अंदर 2013 के अंदर जब ऊंची जाति वालों के पूरे संसाधन में 80.3% उन लोगों का है और पिछड़ों का कितना, 17.8%। 5 वर्ष बाद 2019 के अंदर वो बराबर होने की जगह वो और बढ़ा, 81.4% उन ऊंची जातियों वालों का, और जो पिछड़े वालों का 15.2%। वो रफ्तार अगली बार जब चोट पड़ी, जब वोट की चोट अगली बार हम लोगों को वापस पड़ी पिछड़ों को, तो वो और तेज गति से, जो आखिरी के अंदर जो आंकड़े आए 2022 के अंदर 78.4%, और पिछड़ों का कितना, 9%। 80% से 88% का सफर पिछले 5-7 सालों के अंदर, और हम लोगों को क्या, ओबीसी पिछड़ों का क्या, 17.8%। सब किसका, ठाकुर का। नौकरियों में क्या हालात, किसी भी संदर्भ में नौकरियों की अगर गणना करें, नौकरियों के अंदर वो की वो हालात, रोस्टर के नाम पर क्या खेला खेला जाता है, बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर न्यायपालिका के माध्यम से हम लोगों को अगर कहीं हम लोग राहत लेना चाहते तो हम लोगों को नहीं मिलता है। कहीं भी आप देख लो, किसी भी नौकरी में देख लो, मेरे से पूर्व वक्ता ने जब किसी और जगह से बात करी शुरू के अंदर तो उनकी बात अलग थी, क्योंकि वो दिमाग से थी, अंत के अंदर उन्होंने बात दिल से करी तो अंत के 2-3 मिनट इन्होंने पूरी की पूरी हकीकत बयां करी। जो आरयूएच एस के अंदर जो नौकरियां निकाली गई उसमें क्या हालात कर रखे, कुल जो पद थे 148, उसके अंदर ओबीसी के सिर्फ 17, एससी के सिर्फ 4, एसटी के सिर्फ 4, और एनबीसी के 0। ये हर नौकरी के अंदर ये की ये चीज हो रही है। कहीं भी आप देख लो निष्पक्ष तौर के ऊपर, दैनिक भास्कर ने जब इसकी आकलन किया तो उन्होंने खुद ने अपने अखबार के अंदर 16-7 के अंदर के 18 मुख्य विशेष विशेष और एससी एसटी के वर्ग के कुल 134 पद हुए कम, आरक्षण नियमों की नहीं की गई पालना। हर बार ये हुआ, माइनिंग इंजीनियर के अंदर भी जब विज्ञप्ति देखी तो 67 पद होने चाहिए, 67 पद के जगह ओबीसी को सिर्फ 20 पद। ये अहंकार नहीं रखोगा कहीं कमी हो गई, ये गलती हो गई, तो मेरे सरकार से ये निवेदन है कि सरकार में बैठे वालों से भी ये निवेदन है, आप आवाज उठाओ। हम लोग भी सरकार में तब ये आवाज उठाई, और वो आवाज उठाने के बाद में वनपाल की भर्ती के अंदर जब सही रोस्टर नहीं था उसमें संशोधन कर वापस सही रोस्टर कर और उसके अंदर भर्तियों के अंदर वापस संशोधित भर्ती निकाली करी। सिर्फ वनपाल की बात नहीं है, वनपाल की जो प्रथम विज्ञप्ति थी और बाद में भी वो आप देख लो, आरपीएस के अंदर देख लो, जो 2000
22 वाली आरपीएससी की थी उसमें शून्य और उसको वापस संशोधित कराकर करा। तो मेरा नम्र निवेदन है कि जो ये रोस्टर के नाम पर सभापति महोदय इस व्यवस्था के ऊपर इतनी बड़ी प्रहार कोई नहीं कर सकता जो रोस्टर आज राजस्थान के अंदर नहीं बना हुआ है। बड़े गरूर से ये बोल रहे थे लैंड बैंक बनाएंगे, पूंजी लाएंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उन लोगों के लिए, सोलर के लिए, उनके लिए तो जमीन चिन्हित कर एक एक इंच जमीन चिन्हित हो रही है, पर जो नौकरी के अंदर जो रोस्टर बनाने के संदर्भ के अंदर इतनी बड़ी फौज सरकारी कर्मचारियों के इन सरकार के अंदर है, उसके बाद भी सुविधाओं के अंदर, उसके बाद एडवाइजर के नाम पर कितने लोग लेकर आई, पर ये रोस्टर आज भी राजस्थान सरकार का नहीं बना हुआ और इसकी चोट सिर्फ और सिर्फ किसको, पिछड़ों को, एससी को, एसटी को और एनबीसी। सभापति महोदय, और तो और जो पहले व्यवस्था हुआ करती थी रिमार्क्स की कि कोई भी भर्ती होती थी उसके बाद में उसका किस वर्ग से है उस वर्ग के लिए अनिवार्य तौर के ऊपर था और यह कोई सरकारी फैसला नहीं था, यह सुप्रीम कोर्ट ने आर के सबरवाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व यूनियन ऑफ इंडिया के 10/2/1995 के अंदर यह फैसला किया था कि आपको वर्ग को अंकित करना जरूरी है। पर सभापति महोदय, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है क्योंकि कोई आवाज नहीं उठा रहा है, सब लोग लगे हुए हैं पता नहीं अलौकिक ढंग से, जो कैबिनेट की जगह किसकी सरकार की, ये ठाकुर का मामला है यही मैं कहना चाह रहा हूं। और 2000 आज के समय के अंदर सभापति महोदय आप रोक सके तो रोक दो और अगर आप कहो तो मैं बैठ जाऊं, इनको बोलने का अवसर मिलेगा, या तो आप अपने खुद के मंत्री को अयोग्य मानते हो, वो जवाब देने योग्य नहीं है, इसलिए उनके जगह आप खड़ा होकर और क्या करना चाहते हो तो ये बात कह दे कि मंत्री की जगह आप इसका जवाब दे देना, ये व्यवस्था भी हो सकती है अगर ये इस तरह का करेंगे। सभापति महोदय, ये जो कैटेगरी 2021 के अंदर कैटेगरी नहीं लिखी गई है, ये किसके साथ अन्याय, इनका मंशा क्या है, ये आरएस के अंदर जो हम लोगों का हक है किसी ने भीख नहीं दी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकारी हक हम लोगों का, और आप लोगों ने हक छीना, ये हक छीन नहीं सकते आप, इसको संशोधन करवाओ। सभापति महोदय, जो एसआई की 2021 के अंदर है उसी प्रकार 2021 के अंदर भी इन्होंने उसके आगे नहीं उल्लेखित करा, इनकी मंशा क्या है मैं ये जानना चाहता हूं, जब जवाब दें इनकी मंशा क्या है। मैं आरोप लगा रहा हूं कि इनकी मंशा सही नहीं है, अगर मेरा आरोप, मैं चाहता हूं कि आरोप गलत सिद्ध हुई और ये इसके ऊपर जो कैटेगरी लिखे है उसकी तरह से करें। सभापति महोदय, कॉलेज शिक्षा के अंदर सरकार तो कैबिनेट की होती है, कैबिनेट की जगह इन्होंने सरकार किसी एक व्यक्ति की बना दी, चलो व्यक्ति की बना दी, और वो व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है वो क्या कह रहे हैं कि 65 वर्ष उम्र की जाएगी, वो 65 वर्ष कॉलेज लेक्चर की उम्र करने से किसको नुकसान, वैसे तरह से ये जानते हैं वो नुकसान किसी को है, वो आरक्षित वर्ग को है, वो नुकसान ओबीसी को है, वो नुकसान एससी को, वो नुकसान एसटी को, वो नुकसान युवाओं को है, हर तरह का नुकसान, उसके बावजूद भी उनकी मंशा क्या है वो प्रदेश आज जान चुका है 6 महीनों के अंदर, इस सोच के कारण आज ये 65 वर्ष की बात कर रहे हैं। सभापति महोदय, सिर्फ नौकरियों के संदर्भ में नहीं, कहीं भी किसी भी क्षेत्र के अंदर आप जाओ ये अन्याय उसी प्रकार का रहेगा।